2010 में हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स हमारी एक टीचर थी, वो हमारी क्लास में, उन्होंने कहा कि अमेरिका कौन कौन जाना चाहता है. तो मैंने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए एक्साइटमेंट में और मैं बड़ा खुश था उस टाइम. मेरे स्कूल से 6 बच्चे थे जो कि उसके लिए सिलेक्ट हुए थे और हम लोग वो टेस्ट देने गए, वो जो कि लाहौर में था. तो एक माह गुजरा, 2 माह गुजर गए, तो मुझे बहुत एक किस्म का मैं बहुत ही परेशान हो गया कि मेरा क्यों नहीं हुआ. ये है हसीब अहमद. एक साल के लिए यस प्रोग्राम के तहत इन दिनों ये अमरीकी रियासत मिनेसोटा के ब्लूमिंगटन शहर में है. स्कूल मेरा बहुत अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है. मैं यहाँ पे चॉपर प्रोजेक्ट एक है वो मैंने क्लास रखी जिसमें हम हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स बनाते हैं. तो वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अच्छी क्लास है जिसमें हम लोग सीखते हैं कि मोटरसाइकिल्स किस तरह बनती हैं और सारा कुछ उनकी जो असेंबली है वो. और बाकी जो मेरी फॉरेन लैंग्वेज, मैं स्पेनिश रख रहा हूँ, मुझे लैंग्वेज बोलने का शौक और सीखने का शौक है. तो मेरे ख्याल से इस फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम से मुझे एक और नई लैंग्वेज सीखने का मौका मिला और मेरी अंग्रेज़ी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई. हसीब कहते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे यस प्रोग्राम में हमेशा अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं क्योंकि इन्हें इसके लिए आई अर्न नामी प्रोग्राम के तहत बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है. हम लोग में 12 थे बच्चे जो कि उस मेरे ग्रुप में सिलेक्ट हुए थे. ओरिएंटेशंस हुई, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन जो हमारी कराची में थी. हमें अमेरिका के बारे में बताया गया था कि आप लोगों को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने होंगे. तो वो एक बहुत ही अच्छी तैयारी थी हमारी अमेरिका आने से पहले. हसीब कहते हैं कि इन्हें अमरीका आकर यहाँ के माहौल में जज्ब होने में अपनी मेज़बान अमरीकी वालिदा ने बहुत मदद की है. मैं यहाँ पे ब्लूमिंगटन शहर में हूँ जो रियासत मिनेसोटा में है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझूंगा कि मुझे एक बहुत ही अच्छी होस्ट फैमिली मिली क्योंकि वो मुझे हलाल खाना मुहैया करते हैं और सारा. जब जुमे की नमाज़ होती है तो वो मुझे वहाँ पे लेके जाते हैं और जान में बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मैं यहाँ पे आया था कि तो टाइमिंग्स वगैरह थोड़ी डिफरेंट थी तो मैं इतने रोज़े नहीं रख सका, लेकिन मेरी जो होस्ट मॉम थी वो बड़ी एक्साइटेड थी कि तुम रोज़े रखो. हसीब ने अमेरिका आकर पढ़ने के इस एक साल के तजुर्बे से तहम्मुल और एतमाद सीखा है और ये पाकिस्तान वापस जाकर एक चीज़ करना चाहते हैं. वो ये है कम्युनिटी सर्विस, क्योंकि पाकिस्तान में एक बिल्कुल भी चीज़ मौजूद ही नहीं है. यहाँ पे अमेरिका में आके मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए प्यार और जो हम लोग कम्युनिटी सर्विस करते हैं तो वो चीज़ मैं पाकिस्तान लेना जाना चाहता हूँ. ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन. So, हसीब अपने अमरीकी स्कूल में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल बनाना सीख रहे हैं और पाकिस्तान वापस जाकर वो वॉलंटियर वर्क यानी रजाकाराना काम करना चाहते हैं ताकि अपने इलाके और अपने शहर की किस्मत बदल सकें. अब आपके ख्याल में हसीब अहमद ऐसा कर सकेंगे या नहीं और इसके लिए उन्हें पाकिस्तान में किन वसाइल की ज़रूरत होगी, ये आप हमें बताइए हमारे फेसबुक पेज पर. और हमें ये भी बताइए कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर्स में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए. अगले हफ्ते इस सेगमेंट में ताबिंदा नईम आपकी मुलाकात करवाएंगी इस्लामाबाद की तालिबा अबीर फातिमा से. ये सिलेक्शन वाला प्रोग्राम को इतना इजी भी नहीं था. लाइक यू नो अगर इंग्लिश, बस इंग्लिश आनी चाहिए इसके लिए और आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए और आपके पास एक विजन होनी चाहिए कि आप अपनी कंट्री में चेंज क्या लाना चाहते हैं. आपको अपनी लाइक कंट्री के साथ लॉयल होंगे तभी अमेरिका में आके आप फिर भी अच्छे रास्ते पर रहेंगे.